नमस्कार, इनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कैबिनेट में पीएम फ्री योजना को मिली मंजूरी, रेलवे की जमीन पर लीज पर उठाएगी केंद्र सरकार। 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे, हर स्कूल को मिलेंगे 200 करोड़ रुपए। 1166 ग्राम पंचायत के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा, 13 अक्टूबर को मतदान, आचार संहिता लागू। सभी याचिकाएं साथ सुनेगा कोर्ट, उद्धव शिंदे विवाद में 27 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई आज। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,395 नए मामले आए सामने। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं के साथ शुरू की अपनी पदयात्रा। अमेरिका के टेनेसी क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग, दो लोगों की मौत, अपराधी की तलाश जारी। दिल्ली में आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुबई में मैच हारने पर पाकिस्तान के समर्थकों ने अफगान के प्रशंसकों को पीटा। और मुंबई दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।